फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है हमारी सीरीज चल रही है दिस और दैट, और आज जो हम खाने जा रहे हैं वो है जम्मू वालों का फेवरेट, वो है कलाड़ी कुलचा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ कहाँ खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। Causing damage, just like I planned it. I'll be damn rich. Have a chef in the back, make a sandwich. Ooh, she got it all, I just want it all, Baby, we could ball, You just gotta fall, I could be your man, paying for your tan, I'm your biggest fan, you said this your jam, yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. She always told me I never call her. Oh yeah, I'm living this life. I roll up in a coupe, up in a Chevy. I'ma hit it in the back if she let me. And take your time, baby, getting ready. I want you looking fine, I'm looking sexy. Yeah, yeah. I be turning up. Got no ID, but she cute as fuck. So I told her she could kick it, but I said she couldn't touch. Now, all she wants to do is kiss and hug. I could go all day, I'ma do my thing. I'ma stay ballin', like it's my driveway. I'ma go all in, party like Friday. I'ma take this day, turn it to my day. Ooh, ooh, she love me. Sipping bubbly, champagne, cocaine, kiss and hug me. It ain't nothing, dropping money. Okay, off day, getting lucky. Yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. She always on. So friends, हम कलाड़ी कुलचा ले आए हैं, तो चलिए देखते हैं कि हम किस किस का कलाड़ी कुलचा लाए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है फ्रेंड्स सिंह कैफेटेरिया उधमपुर वाले, जो छन्नी में खुला है। ये देखिए इनकी पैकिंग देखते हैं, इन्होंने हमें कैसे दिया है ये कुलचा, कैसे इन्होंने कुछ ऐसे पॉलिथीन में डाल के दिया है। ये इनकी चटनी है। तो गाइस, अब देखते हैं पंडित जी का कुलचा, जो मोती बाजार वाले हैं, सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पुराने जम्मू के। इन्होंने कुछ ऐसे पैकिंग दी है गाइस, कुछ इस पॉलिथीन में, और ये है इनकी चटनी। तो गाइस, ये है राकेश जी का कुलचा, लास्ट मोड वाले, जो वहाँ पे स्ट्रीट फूड पे लगाते हैं, बहुत फेमस है, लास्ट उस टाइम से यूट्यूब पे बहुत फेमस हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी पैकिंग कैसे है। ये देखिए गाइस, इन्होंने पहला कुलचा है जिन्होंने हमें टिश्यू दिया हुआ है, ये ऐसे कुछ दिया है। गाइस, इन्होंने हमें दो चटनियाँ दी है, एक मीठी वाली और एक मिंट। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको टेस्ट करके बताते हैं इनका टेस्ट कैसा है। तो सबसे पहले ट्राई करेंगे हम सिंह कैफेटेरिया उधमपुर वाले, जो छन्नी में खुला है, इनका टेस्ट लेते हैं। सबसे पहले ऐसे टेस्ट करते हैं, रॉयल सिंह का कुलचा भी सॉफ्ट है, कलाड़ी भी काफी अच्छी है अभी तक। तो अब इनका चटनी का टेस्ट करते हैं। चटनी में इनकी चिली है, ये देखो ग्रीन चिली, काफी अच्छा है इनका, प्रॉपर कलाड़ी का फील आ रहा है, बड़ी अच्छी कलाड़ी यूज की है उन्होंने। और इन्होंने हमें बताया कि ये उधमपुर की कलाड़ी ही यूज करते हैं, जम्मू की नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरा टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट कैसा है। ये पंडित जी मोती बाजार वाले, उनका कुलचा, सब पहले ऐसे बांट लेते हैं। गाइस, इन्होंने बीच में सॉल्ट डाला हुआ कलाड़ी के ऊपर, तो थोड़ा सॉल्टी फ्लेवर आ रहा है। ओवरऑल कुलचा सॉफ्ट है, कलाड़ी अच्छी है, च्यूई है। चटनी साथ ट्राई करते हैं, चटनी का कैसा फील आ रहा है।
यार चटनी काफी अच्छा फील आ रहा है, अच्छा है ये, बस थोड़ा सॉल्ट ज्यादा है, आई डोंट नो कि इन्होंने क्यों इतना सॉल्ट डाल दिया, बट ओवरऑल ये भी अच्छी है। चलिए अब लास्ट नॉट लीस्ट राकेश जी की कलाड़ी टेस्ट करते हैं, ये बहुत फेमस हुई है लास्ट पिछले टाइम से। गाजी का कुलचा देखिए, कुलचा साइज देखिए, सॉफ्ट देखिए, वैसे इन्होंने अंदर कुछ स्टफिंग की हुई है, ये देखिए प्याज है, कुछ ग्रीन। गाइस एक बाइट हो लेते हैं चटनी के साथ, मिंट और मीठी चटनी के साथ, पहले मीठी चटनी का फील लेते हैं। गाइस बहुत अच्छा फील आ रहा है मीठी चटनी के साथ। गाइस हम मिंट सॉस का ट्राई करते हैं, तो गाइस अब बात करते हैं सिंह कैफेटेरिया कलाड़ी कुलचे की। इनका कुलचा भी अच्छा है, ओवरऑल कलाड़ी का साइज भी बहुत अच्छा है और कलाड़ी बहुत अच्छी है, प्लस इनकी चटनी कुछ डिफरेंट है, मीठी भी है, चिल्ली भी है और थोड़ा इसके अंदर प्याज भी डाला हुआ है। गाइस इसका प्राइस था 60 रुपीज, थोड़ा ज्यादा है बट ये डिजर्व करता है, इनका कुलचा अच्छा है। अब दूसरी तरफ बात करें पंडित जी कलाड़ी कुलचे वाले की, इनका कुलचा थोड़ा देखिए आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ड्राई है, थोड़ा अच्छा नहीं लगा हमें, सॉफ्ट नहीं है इतना। कलाड़ी अच्छी थी बट कलाड़ी के ऊपर इन्होंने नमक डाल दिया जिसके कारण सारा फ्लेवर खराब हो गया। इनकी चटनी भी ओके है, कोई खास चटनी नहीं है इनकी। इसका प्राइस था 50 रुपीज। तो गाइस अब बात करें राकेश जी की, राकेश जी का कलाड़ी कुलचा अच्छा था, कुलचा अच्छा है। इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना कलाड़ी के अंदर स्टफिंग की हुई है प्याज की, प्याज टमाटर ग्रीन चिली उससे कलाड़ी स्टफ करके दी है, इनकी चटनी भी अच्छी है। तो गाइस इसका प्राइस था 50 रुपीज। तो अगर हम ओवरऑल बात करें हमें जो पसंद आई पर्सनली सिंह कैफेटेरिया, इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है और कुलचा भी अच्छा है। दूसरे नंबर पर बात करें तो राकेश जी अगर मैं बात करूँगा तो राकेश जी की थोड़ी डिफरेंट है इन सबसे, बिकॉज इन्होंने इसके अंदर ही स्टफिंग की है और कलाड़ी भी इनकी अच्छी है, मॉइस्ट है। तो ओवरऑल अगर आपको खानी है तो राकेश जी से खा सकते हो, बहुत अच्छा है। ये गांधीनगर लास्ट मोड में है, स्ट्रीट फूड यहाँ पे लगता है लास्ट इनकी वो है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।